अज ना थोड़ा टाइम पहला मी काफ़ी ज़्यादा पिया गा तो बदल भी काफ़ी ज़्यादा उपर आसमान च तो सूँ पता ही ना हड़ आए हुए हैं कि पंजाब दे विच बहुत सारे जिले के तकरीबन इस वक्त हड़ आए हुए तो जिथे मैं रहना संगरूर डिस्ट्रिक्ट इतने थोड़ा ठीक हैगा पूरे ज़्यादा कोई इन्ना हो नहीं है बट जो घग्गर दरिया है ना अपने खनौरी साइड मून खो गया उस साइड तो बहुत ही ज़्यादा कह दी हड़ आए हुए हैं तो मौसम अज सवेरे भी काफ़ी मीह पिया सीगा हुण थोड़ा मीह फिर पियागा तो मैं जा रहा सी अज संगरूर तो काफ़ी दिन हो गए सीगे थोड़ा बिजी सीगा मैं तो अज मैं जा रहा सीगा वीर एक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहा सीगा अज मैं काफ़ी टाइम पहला गया सीगा तो अज मैं फिर जा रहा गा बहुत ही वधिया देखने लायक यह जगह ये मतलब कि मालवे का जंगल है बहुत वड्डी यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई काफ़ी बड़ा जंगल बनया हुआ है बहुत सारे इतने जानवर रेंगे ने गे आप वो जाके देखा अज तो नाल मेरा दोस्त जा रहा है थोड़ा टाइम पहला मैंने उन्हें फोन आया सीगा बस थोड़े टाइम तक असं घर तो निकला तो अज फिर जावे असं जंगल देखने लिए तो बहुत ही अमेजिंग जगह गी सूँ दिखावे अच्छ थोड़ी जानकारी देवे तो बाकी मैं पग बन ली सी तैयार हो चुके हैं तो बस मैं हूँ 5-10 मिनट तो घर तो निकलागा तकरीबन मेरे घर तो जे आप लाइए 18-22 किलोमीटर दूर है एशविन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पंजाब यानी कि मालवे देखते मन कि बहुत बड़ा जंगल है ये जे देखिए संगरूर के कोल इदा दियाँ एक भीड़ होर आ गई आप उ भी चलोंगे तो बट पहले आप जावे जो संगरूर के कोल आ गई भीड़ जिन्होंने कि सोईया भीड़ भी बोल देंगे ने गे उ चल देंगे देखा सोनू भी दिखावे जानि कि यह जी चीज़ा ने ना यह जी सोहने सोने दरख्त ने उत्थे जो कि पंजाब के तकरीबन खत्म हो चुके हैं मालवे के खिते काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें खत्म हो चुकी ने उदा दरख्त तो आप सूँ दिखावे तो काफ़ी बड़ी आ गई आप अंदर तक डीप तक जावे आप चंगी तरह उन्होंने एक्सप्लोर करा कि कुछ उ देख लायक तो सोनू भी दिखावे तो बस आप हम चल देंगे मैं जाऊँगा बाइक पर मेरा दोस्त थोड़े टाइम तक करा जूगा तो फिर आप भी मिलावे तो तकरीबन आप जाने के लिए तकरीबन अद्धा घंटा लग जूगा अद्धे घंटे आप पहुँचागे जो भीड़ आ गई जो सू आप दिखावे ना मैं खुद देखूँ ना सू दिखावे ब्लॉग के बने रहो तो 5 मिनट तक घरों चलोंगे तो गर्मी ना यार बहुत ज़्यादा हुई पी इस वक्त पहला मीह जहाँ पै गया ना मीह तो बाद थोड़ी ना गर्मी ज़्यादा हो चुकी हैगी तो बस मैं अपने दोस्त को फोन किया मेरा तैयार हो रहा पग बन रहा है हुणी तो बस वो पग बन लूँ मैंने फोन कॉल कर दूंगा बस फिर आप चल देंगे पानी में पी लिया लेकिन सर गर्मी ना यार बहुत ज़्यादा हुई पी इस वक्त तो थोड़ा परेशान जो किया पाया शीशा थोड़ा साफ करने वाला पे है डस्ट हो पी है तो काफ़ी गंदा जो होया पाया इनू भी साफ कर देंगे अरे कि सारी डस्ट जो हो पी है मैं साफ नहीं किया गा थोड़ा साफ करने वाला पहले साफ कर देंगे बाइक अपनी आ खड़ी हैगी काफ़ी ज्यादा डस्ट हो चुकी है उत्ते थोड़ा जो साफ कर लिए बहुत ज़्यादा डस्ट हो पी इन्हें काठी सारी ना खराब हो पी है इन्नी ज़्यादा मिट्टी पै गई पहले थोड़ी नेरी चली सी उस तो बाद आ गया मीह तो सारे इदा खराब हो गया मिट्टी मिट्टी पै गई सारे बाइक उत्ते तो आप हो गए हम तैयार जाने लिए मैंने मेरे दोस्त का फोन आया सीगा वो मेन जो हाईवे उ खड़ा गा तो बस चल देंगे अद्धे घंटे का रास्ता गा जाने लिए तेल पा रहे हम बाइक थोड़ा घट सीगा तो पाना हूँ तेल जिमनी खड़ी है जिमनी वो तुसी हाईवे देख रहे होंगे ये बठिंडे कनी जा रहा है तो इधरों पटियाले कनी आ रहा है तो मैं इस वक्त चौंक के खड़ा सी ये संगरूर में जाता गा तो ये बठिंडे तो आप जाना इस भीड़ वाल जाना गा जो इधर आगे जाके हो बोर्ड भी लग्या हो सू बोर्ड भी दिखा देना गा बीड़ एशविन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ लग्या है बोर्ड इतने इन्होंने दस्या भी होगा भी इस साइड में जाना गा तो नाल आया से मनदीप तो वह सामने खड़ा गा तो ये पहले मैं थोड़ा जितने हाईवे से साड़ा मेन घर घर लवे उतों मैं लैके आ गया मनदीप भाई तो बस असी हूँ इस साइड में जाना गा मेन हाईवे आप खड़े आगे तो मोस्टली सारा इतों मैं लगता 2-3 मिनट का रास्ता गा बाइक से तो बस हम चल देंगे तो जाके देखते आप बीड़ एशविन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सोनू को दिखावे लो जी असी पहुँच गए सके बीड़ एशविन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन गेट देख सकते हो गए असं हूँ अंदर जावे मनदीप पी रहा पानी
तो असं हूँ इतने एंटर करा तो सूँ भी सारा दिखावे थोड़ी गलबात करा जो इतने वर्कर ने अपना उन्होंने भी गलबात करा तो पूछा भी की कुछ हो रहे किड़े किड़े जानवर रेंदे ने तो भी आप दसागे तो आप सामने पूछा भी की कुछ अंदर तो मेरे नाल जो काम करते हैं वीर जो रख रखाव करते हैं कि देखते हैं सारी जगह नूं तो मैं उन्होंने गल करता पुछते वीर कि जानवर ने वीर कि जानवर ने उरे अपने गिद्दड़ ने जी सांबर है अपने नीलगऊ है। अच्छा जी तो किन्ने अच्छा किन्ने के एरिए च फैली हुई है सारी अपनी बीड़े जी 660 मीनस भी 660 एकड़ 660 एकड़ फैली हुई है जी यानी कि जो किलोमीटर ना हिसाब अपन देखनी हो कि हो गई है 8 किलोमीटर का घेरा बन जाता है। अच्छा जी 3 किलोमीटर लंबाई 1.5 किलोमीटर चढ़ाई। अच्छा 1.5 किलोमीटर चढ़ाई जी ठीक है जी ठीक है। गावां भी रखी होने नील गां भी है इतने जी नील गावां बहुत ने ठीक है जी कोई देखो खतरे वाली गल तो नहीं है अंदर जाके जी कोई भी इदा कोई आप हर कोई आके पब्लिक आउंदी है ठीक है जी यानी कि देखो खतरे वाली गल नहीं है भी कोई भी आके जाके देख सकदा हो रे जी यानी कि कोई विदाउट एंट्री है ना जी ताई ना विदाउट एंट्री है जी ना एंट्री एंट्री कोई नहीं जाई जांदे ने बस सेवादार ही होंदे ने सेवा ठीक है यानी सारे देख सकदे हो जाके जी ठीक है जी बहुत धन्यवाद थोड़ा जी एसी अपने रे वर्कर जो रे काम करदे नेगे ते बहुत धन्यवाद इन्हां दा जी। हरियावला जंगल लग्या है बहुत सारे सोहणे सोहणे दरख्त ते तुसीं देख ही रहोगे ते थोड़ा अगे आपां होर चलदे आ जी दा दरख्त बहुत सोहणे लग रहे ने इत्थे जो आ रहे ना हिरन ने तो आप जो अपन दिसे आप दिखावे ये देखने की कोशिश करांगे तो बाड़ लगी हुई आले दुआले जो इत्थे गावां ने गियां उन्हें लोग आके उरे हरा चारा पाउंदे ने कि तुसीं देख रहे होंगे है ना और गावां भी काफ़ी ज़्यादा जो कि इत्थे इन्हां नूं कख वगैरह जां होर रोटियां सुक्कियां रोटी वगैरह इत्थे लिया के गावां नूं पाउंदे ने गे साडे अगे ते भी एक लोग जा रहे ने भीड़ देखण वास्ते अस भी उन्होंने पिछे पिछे ही जा रहे हैं गे एक ए वाला रस्ता आता गा असं थोड़ा अगे जावे तो आह देखो जंगल तुसी हुण तुसी सारा जंगल देखोगे और आ देखो भाई ध्यान ना थोड़ा जहा रस्ता और मीह करके ना इदा तो अवॉर्ड जहा हो पाया थोड़ा जहा ना दिक्कत आ गई और मैं उतर गया मनदीप आऊगा हूँ लैके बाइक में तो थोड़ा स्लिपरी है बहुत ज़्यादा मनदीप स्लिपरी है भाई बाइक साड़ी बाइक तिलस रही हैगी क्योंकि उत्थे बहुत स्लिपरी आ तुसीं देखो आ देखो कि स्लिपरी हैगा तो हुण फिर की करिए उधर ही कर लेने उत्थों ही लिया के है इधर फसूगा मैं कट के देखा चल मैं कट दाँगा तो थोड़ी दिक्कत आ रही है जी हुण मैं ट्राई करके देखदा आ देखो रे थोड़ा टायर बिल्कुल फिसल गया सीगा चलो बाइक तो मैं उतों कढ़ ली सी तो सारे टायर खराब हो गए तो मेरे शूज़ भी सारे खराब हो गए मिट्टी के नाल तो डंडा सानू ता दिता कई बार ना उरे गावां भी ने कई बार ना हुण देखो थोड़ा पंजाण आ गए तो कभी लवे आ जाते हैं कि उहदे करके थोड़ा परां नूं हटाउणा पैंदा गा तो मनदीप उधर बाइक लैके आ रहा है तो मैं थोड़ा तुर के जा रहा है तो मैं ना उरे सैकेंड टाइम आया गा पहला मैं आया गा तो उदों मैं ब्लॉग बनाया सीगा वो तुसी ब्लॉग मेरा देख सकते होगे तो मैं लिंक सूँ दे दूँगा आई बटन दे विच भी सामने आ रहा होगा तो वह तो अभी जाके देख लियो तो हुण थोड़ा अगे असी जा रहे हैं होर के भी रस्ता जाता गा काफ़ी दूर तक तो आ जंगल एरिया सारा तो एक किसी ने हिरन देखे मैंने यार कैमरा करना ओपन करना जल्दी जल्दी ने बस भज के देख के डर गया बहुत व्डा हिरन सीगा तो मिस करता होना मनदीप होना बाला सोहना हिरन सीगा भाई आप अगे चलांगे बिच भी जावांगे तो थोड़ा आप होर काफ़ी दूर आ बहुत ज़्यादा दूर आगा ये बनया हुआ जंगल इधरली साइड तो सारे खेत ने गे तो उधर भी इन्होंने बागल मारिया हुआ लोहे की तारा नाल रख रखाव लिए इतने भी काफ़ी मेहनत की जाती हैगी तो इधर देखो तुम कि संघना जंगल आगा मनदीप उतर हो रहे हूँ तेरी जो गल की जाए ना थोड़ा गलत आ गया अभी भी तो रस्ता बहुत ज़्यादा खराब आगा तो आ देखो मीह पिया है ना तो करके खराब आगा मैं उरे उतर दाँगा एक बार तो क्योंकि और निकलना नहीं है रोज़ बैठा सामने तो वह दिस शायद ही रहा पर मैं देख रहा कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है तो वह कन्न अपने हिला रहा है मैं थोड़ा थोड़ा लवे जा रहा है तुम ये मनो कि मैं ना इस वक्त रुक जा दोस्तों मैं हौली हौली बोल रहा वो देखो
वो बैठा गा मनदीप तुर के आ जा, वो मेरे वाल ही देख रहा है। मैं नहीं चाहता, मैं ड्रोन नहीं आएगा, मैं देखने वास्ते आया, सू दिखाने वास्ते आएगा, क्योंकि ये चीज़ा वो देखो तुम वो मैंने देख के उठ खड़े है तकरीबन यही देखो 5 फुट 10 तकरीबन वो चला गया दूर सारे। तो हूँ ये मन दोस्तों मैं ना इस वक्त बचा लिया गा, मैं इस वक्त जो भीड़ आ गई वो एन बचा लिया है गा। तो तुम देख रहे जंगल दे विच मैं खड़ा इस वक्त, बट ये कोई खतरे वाली चीज़ नहीं हैगी, इतने कोई भी आके देख सकता गा। तो मैं परमीर पहला पूछा सी कोई खतरे वाली गल तो नहीं हैगी, बट उन्होंने दस्या भी बिल्कुल खतरे कोई गल है नहीं गी, बट फिर भी आप तुसी थोड़ा जहा केयरफुल रहो। तो मैं तो यही कहाँगा कि बहुत वड्डी है यार ये, आने वाले टाइम तुम देखियो भी इस तो भी यह वधिया बनने वाली हैगी ये वाली भीड़। तो थोड़े टाइम देखोगे भी हूँ तो देखो कच्चा कच्चा, आने वाले टाइम से ना इतने सड़क बन जाएगियाँ, लोग इतने बहुत ज़्यादा आया करेंगे देखने वास्ते। ये तकरीब पंजाब के मैं लगता मोस्टली शायद कितने है नहीं इदा की जगह जो तुम देख सकते हो। गए तो जो हिरन सीगा इस साइड में भज गया, वो तो मैं इस वक्त जंगल के बिचों बिच सीगा। तो वो देखो दोस्तों खड़ा सामने, वो देखो दूर सारे वो भज गया देख के, फिर वो देखो वो जा रहा है, मैं जूम करके सू दिखा रहा है, वो जा रहा भजया भजया। तो दूजी गल नैक्सट गल ये देखो भी और कितनी ज़्यादा शांति है ना, भी कोई ज़्यादा वो नहीं है लाउड। तो आए मनदीप आपका होर अगे चलते जा, तो तुम देखो है ना कि वही लग रहा है, बिल्कुल शांत जहा माहौल है। तो दूजी गल जो दरख्त ने ना सारे किकर, मैं लगता कि मोस्टली शायद ये दिसदियाँ नहीं है पंजाब के बच्चे, तो जो तुरे देख सकते हो आके आए अगे आ जा। तो ये जो किकर ने गिया हूँ ये पंजाब मोस्टली शायद दिसदियाँ नहीं है किसी पास। तो उरे किकर हो गया, ढक के दरख्त हो गए, तो उरे आके तुम देख सकते हो पहाड़ी किकर भी आ उरे देखने मिलती ने गिया। रोज़ फिर रहा है गा, तो उधर देखो उधर लुमड़ी जा रही हैगी सामने रोज़, असं कि क्लोज है वो बहुत ज़्यादा असं क्लोज खड़े हैं, तो देख के बहुत वधिया लग रहा है चीज़। तो यही असी चीज़ देखना आए, यही चीज़ सू दिखा रहे हैं, तो काफ़ी क्लोज आसी, तो असी शोर करना बिल्कुल ही बंद करता, बाइक खड़ा ली असी ने उरे भी ता कि इसनू खड़ के देख सकी उस रोज़ न। बहुत ही वधिया लग रहा है देख के इन्नी लवो भी, देखो किन्ने सोहना चारा चल रहा है अपना। तो उधरों काफ़ी बंदर की आवाज़ा भी आ रही ने, बट साढ़े लूंबड़ी वो परले पास दरख्त उतरी। हाँ जी हाँ जी, देखो बंदर हो बंदर, हाँ बंदर दो लूंबड़ी, एक लूंबड़ी फिर रही है, एक लूंबड़ी हो फिर रही सामने, तो वह लूंबड़ी फिर रही है कि का देखो रोज फिर रहे होने, तो बहुत क्लोज तो देख रहे हो चीज़ में। चल हाँ मधीपुर उतरे हैं क्या तुम देखो सामने तीन रोज फिर रहे हैं गे छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने, तो सामने बंदर तुम देख सौ पिगड़े है तीन रोज बिल्कुल असं क्लोज वो तो है। मैं इतने खड़ा से उन्होंने आके, तो उसे काफ़ी गाँव मामी ने एक टावर बनया हुआ है उरे, तो इधर देखो काफ़ी सारे गावे ने, लोग इतने हारा चारा आके बहुत सारा पाते हैं गे, तो ये गावं उरे सारी चरदिया ने गे और इन्हों हारा चारा सारा पा के पाया जाता बहुत सारे लोगों लगा के। तो मेरे सामने इतने लोग खड़े से जोड़े कि इतने हरा चारा पाने वास्ते आए थे, तो खुरलियाँ बनिया हुई ने उत्थे, तो पानी पीने वास्ते भी उत्थे है गा सामने, वो खुरली बनी आ उत्थे जाके जो जिन्हें भी गावं ने गियाँ टठे ने उत्थे जाके पानी पीते हैं गे। तो हूँ तक तुम ब्लॉग से काफ़ी कुछ देख लिया होगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत सूँ तो आ गई ना, मीह पिया होगा उद्दे करके सूँ इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही ने, जोड़ी चीज़ असं शूट करने वास्ते सूँ सिर्फ वो स्लिपरी जो इतने ना मिट्टी है स्लिपरी हैगी करके सूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हैगी, तो साढ़े पैर मेरे बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं शूज़ नीचों, तो आह तुम देख सकते हो गए। तो अच्छा उधर मग गया ओके गाइस, आ झाड़ी ने पिछ कर को सीगा सानू देख के बड़ा भज गया, बट असी देख लिया उधर क्या हो उन्होंने एरिए बने हुए ने सामने जितों भी जाते होंगे ने, बट एनी वे मैं इस जंगल के बिच बिच खड़ा सीगा।
मनदीप देखो खरगोश लभ रहा है, इन्हें खरगोश देखना गा। ये दो काफ़ी टाइम का ही गोडा गोडा होके लभदा खरगोश मिलते देखने। इस सारा जंगल आप थोड़ा इधर न जावे, बट थोड़ी स्लिपरी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत गलत टाइम आ गया जो मैंने इन्हें पता होता भी इन्हें स्लिपरी है, मैं थोड़े देर रुक के आया था, बट मैं हम जंगल के बच्चे जा रहा हाँ इतने। तो ये सारा जंगल तो आई देख सकते हो, ये सारा जंगल बहुत ही ज़्यादा संघना जंगल, ये अपने पंजाब दे विच आगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे विच। ते दोस्तों जे आप ये जंगल की गल करिए ना, ये जो ये हैगा बीड़ एशवन वाइल्डलाइफ सेंचुरी, तो इदा अपने पहला समय दे विच ते वजीदपुर दे कोल भी सीगा जो कि हरियाणा साइड पैंदा गा। उस तो जो जंगल आ गया ना पहला, है काफ़ी जो पहला टाइम आ तो मतलब कि 200 साल 150-200 साल पिछे बग जाइए, जो आप जी जींद रियासत आता सगा पहला, एक इदा एक जंगल अपने जींद साइड जो आप दिल्ली में जाने उदो भी अपना नज़र आता, बट थोड़ा नज़र आता, बट ये बहुत ज़्यादा संघना गा अपने संगरूर दे विच। ये तो आके जरूर देखो, बहुत वधिया लगो, इदा कोई खतरनाक गल नहीं हैगी, तो भी अपन कोई दिक्कत होगी इत्थे। तो मैं थोड़ा होर अगे जाना गा, तो थोड़ी झाड़ियाँ होर तरह दिन इधर जा रही ने, क्योंकि सामने ना कंडेदार झाड़ियाँ ने गिया जी मेरे लगन के उधर नहीं जाते आप, तो थोड़ा मैं इधरों जाना गा क्योंकि संघना बहुत है ना चारे पास झाड़ियाँ झाड़ियाँ ने गिया। तो उम्मीद करता कि सूँ बहुत अच्छा लग रहा वो सारा कुछ देख के वाला जंगल। ओके किकरा जो कि अपनी पंजाब दे विच बहुत घट देखने मिलदिया ने, और एक तुम देख सकते हो ढक के दरख्त है, काफ़ी बिच जाना पेगा उत्थे जाके नज़र आएंगे, मैं इन्नी दूर नहीं जा सकता क्योंकि ज्यों ज्यों मैं अगे जाऊँगा बहुत ज़्यादा संघना होंगे जाऊगा ये, तो ये करके ना ही जाने फायदा उधरली साइड को। तो बहुत और मोर भी नेगे, मोर ता नहीं दिस रहे क्योंकि पिछे बहुत सारे लोग फिर रहे थे, वो अंदर उड़ के चले गए हैं। तो थोड़ा मैं बाहर आना गा, मेरे शूज़ के बच्चे कंडे लगे जो कि मेरे हुण चुभ रहे हैं पैरों के, हुण मैं उत्थे खड़ के वो कंडे कढ़न लगागा। मेरे शूज केड्डा बड़ा कंडा लग्या, मेरे बूट भी सारे खराब हो गए, आ देखो केड्डे बड़े कंडे जो कि मेरे शूज के बच्चे लगे ने जो मैं उधरों गया सीगा। ते चलिए मैं चल दिया। ओके गाइस ऐसे काफ़ी कुछ रे देखा सीगा, और ब्लॉग देख लिया होगा। ओके असं हम थोड़ा अगे जाना गा उस साइड में, तो थोड़ा अगे जावे तो सूँ लगे जी उ हिरन देखने जिधर जाल बने ना इस साइड तो सारे कित हिरन रेंदे ने, बाकी असी काफ़ी दूर से आए हुए, इधर भी काफ़ी वीड्डी जगह बनी हुई हैगी, तो अस इधर गए थे लेकिन इधर थोड़ा रस्ता खराब जी अच्छा करके नहीं गए, थोड़े गलत टाइम असं आ चुके हैं। तो बाकी असं खरगोश भी देख रहे, असी खरगोश भी देख रहे बट सू खरगोश नहीं मिलेगा, पहला दिखा सी उस डर के सब तो ज़्यादा डर के अंदर वग गया गा वो, तो बहुत वधिया लगे सानू इत्थे आके, तो थोड़ा सा अगे होर जाके देख देंगे। तो बट उम्मीद करता कि जे सानू इधर इस साइड पर हिरन नज़र आ गए जो साइड जाल लग्या हो तो सूनू भी दिखावे, बट पहला मैं देखा सीगा लास्ट ईयर जो मैं आया सुरे तो उदो मैं देख लिए, लेकिन मैं चाहना भी एक इस बार मैंने फिर दिस जान, तो वो जाके असं हम देखा अंदर। तो मनदीप चलिए फिर आप हम अगे, चलो फिर अस चलते हम थोड़ा अगे होर। तो बट सा बाइक भी काफ़ी गंदी हो चुकी है, मॉर्निंग धोती सी फिसलन बहुत ज़्यादा सी, मैंने डर कि पेंचर पुंचर ना हो जाए क्योंकि मेरे बूट के भी ना काफ़ी ज़्यादा कंडे लगे छोटे, मैं हम सामने कड़े सके, तो फिर भी जो थोड़ा साफ जो टायर हो गए फिर असं जाके देखते हैं भी कोई कंडे कुंडे नहीं लगे है, जो कंडे लगे फिर असं कट देंगे जंगल। तो इस साइड पर जो देख लोंगे इस जहरन रेंदे ने, असं वो कोशिश करा भी सू दिसन, तो क्योंकि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा घा हो चुके है और करके सू नज़र नहीं आते, घा भी बहुत व्डा व्डा गा। तो इधर गावं तो ठे असं अगे अगे जा रहे हैं हूँ होर, तो थोड़ी दिक्कत इस करके सू आ रही हैगी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फिसलन सी, असं बड़ा दूर भी नहीं गए इस बार, तो ओके ओके हिरन नहीं है पर रोज़ ने। ओके गाइस आ देखो तुम कितने सारे रोज़ फिर रहे उरे, आ दसो कितने सारे वो अपना चारा चार रहे हैं जी, तो ये सारे रोज ने। चल चल ठीक है, एक बार बस बहुत मैं बनाई वीडियो बिना ली। हाँ बस ओके।
जा रहे हैं उधर ना बहुत ज़्यादा हरियाली आ गई इस साइड से, उधर भी हैगी है लेकिन उधर किक्कर बहुत ज़्यादा ने गिया। तो इस साइड से निम टाली होगी तो फालदार बूटे भी इधर लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, आप देखने की कोशिश करा तो थोड़ी बहुत पहाड़ी किक्कर भी ने, ये थोड़ी पानी पीने वास्ते झील जी बना रखी हैगी जो जानवर पानी वगैरह पीते रहन। तो असने हूँ और मोर देखने ने काफ़ी जानवर तो देख ही लेंगे ब्लॉग के भी, बट हूँ हूँ तक सू मोर नहीं देख ओ यस मोर 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 सू मोर दसे ने असरे बाइक खड़ाने गए तो मोर देखा हम जाके असं क्यों ओके बाज भी है बाज भी है उस साइड से भाई दिस ओके सामने का ही मोर है असी मोर देखन जा रहे हूँ मैं थोड़े अगे जाना होर ते बाज उड़ता हो जा रहा है वो टाणी से जाके बैठ चुके है बाज आओ ते तो सामने तुसी दूर साइड देखो ते मैं थोड़ा फोकस कर दाँगा कि सानू बाज दसे वो बैठा है ओके गाइस आ देखो तुसी बाज काफ़ी दूर बैठा है फोकस करके दिखाना मैं सानू ओके मैं बाज देखा मोर देखा मोर उस चले गए ने गे वो दूर सारे तो बाज वो सामने टाणी पर बैठा गा वह भी देखे मैंने और बड़ी साफ नज़र आ रहा बाज तो थोड़े मर के जाना गा ओके वो सामने टाणी पर बैठा गा मैं थोड़ा क्लोज आना गा तो बाज देखने की कोशिश कर देंगे ओके उड़ गया वो चला गया उड़ के क्योंकि बाज हमेशा आजाद ही रहा गा तो सारा जंगल टालियाँ काफ़ी लगे हुई उ इस साइड से थोड़ा जहाँ होर अगे चल देंगे मैं उम्मीद है कि इस साइड से सानू हिरन दिस जाएंगे उम्मीद कर दाँगा। तो जो पिछे पिछे देखे थे असी ने उस रोज़ तुम काफ़ी हो गए पहले थोड़े घट से इस बार ज़्यादा हो गए नील गां भी सू दिसी नहीं हैगी इस बार पिछली बार जो मैं आया से मैं नील गां दिसी सी तो थोड़ा होर अगे चल देंगे बहुत यार मैं बहुत वड्डी ये भीड़ बनी हुई हैगी जे मैं एक जिथे का मैं समझदा गा कि शायद पंजाब सब तो बड़ी भीड़ आ गई तो सूईया भीड़ के नाल भी यह जानी जाती हैगी क्योंकि नेड़े एक सूईया पिंड भी है तो उस करके भी यह जानी जाती हैगी मैं लगता कि आप जो देखा जाए भीड़ तो काफ़ी बड़ी है ना ये क्योंकि आप गए भी नहीं है उस साइड से पर एक होर भी काफ़ी दूर है क्योंकि ना उसे दो राह रह गए क्योंकि उस साइड ना बहुत ज़्यादा सानू पता भी असं तो मोटरसाइकिल किमें कढ के लेके आएंगे क्योंकि सानू ऐ सी भी किमें कढ़ी इतों इन्नी जल्दी फिसलन स्लिपरी बहुत ज़्यादा हुई पई सी कल तो टाइम आ गए बट फिर भी कोई गल नहीं काफ़ी कुछ देखिया असी ना जुड़िया के ओके जी असी काफ़ी देर दे मोर की आवाज़ तो अभी सुन रहे हैं बट लेकिन सानू मोर सही तरीके दे नाल नहीं दिस रहे नहीं दिस रहे गए तो क्योंकि ये भीड़ तो सानू पता काफ़ी बड़ी हैगी तो जो मैं सारा दिन उन्हें फिरदा रहा मैं लगता कि मैं सारे दिन च भी नहीं देख सकता गा जो आप अंदर तक जावगा थोड़ी गड़बड़ इस करके हुई है क्योंकि जो मीह पै गया ना वो करके बहुत अंदर जहाँ स्लिपरी हो गई सी तो मैं सू होर भी काफ़ी कुछ दिखाता है तो इस करके थोड़ा जहा काम थोड़ी एडजस्टमेंट कर लिया इस बार तो जो पूरा सही तरीके ने मैं ब्लॉग देखना गा वह मैं सूद जो लिंक है ना वीडियो का वो मैं हेठ दिता हुआ जाके देखो चैक करो नहीं तो आई बटन के भी एक अपना लिंक आ रहा होगा वो जाके चैक करो आई होप कि सूँ बहुत अच्छा लग्या होगा तो मेरी इच्छा सी कि सूँ मैं मोर भी दिखाव लेकिन मोर और नज़र नहीं आ रहे गए तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है नगिया तो सुने होगा ना मोर की आवाज़ आ रही है बट वो दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे ना मच्छर भी लड़ रहा है यार होर सही गल मच्छर भी ओके इतने पानी वाली मोटर लगी हुई है चबच्चा काफ़ी डूंगा गा तो यह सारा पानी इधर दरख्त नूं जा रहा है तो पी लिया पानी ओके पानी पीने गए बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है तो कैमरे नूं पाउणे आ गए जेब च हुण ये काफ़ी डूंगा गा ये बीड एशविन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असी देखिया सीगे तो उम्मीद करता कि सूँ भी बहुत अच्छा लग्या हो ये सारा कुछ देख के ते थोड़ी दिक्कत सी उस मैं दिखाई दी की प्रॉब्लम सी ते बस हम चलते असं घर कुछ खाने के थोड़ी भुख भी लगी हुई है ये सारा बीड एशविन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जो कि संगरूर के कोल आ गई सोईया बीड भी जिन्होंने बोलिया जाता गा तो वह सी ये सारा कुछ तो बस हम चलते असं जी जो तुम देख रहे हो बहुत ही सोहना फुफारा ये हैगा फुफारा चौंक संगरूर का तो जब इधर तो बहुत यानी कि फुफारा चल रहा है पानी चल रहा है वधिया बहुत सोहना बनया हुआ है वाला फुफारा
ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹੈਲੋ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਰੇ ਫਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਟ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਔਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿੱਕੜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬਰਗਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋ ਬਲੌਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਲਾ ਪਾਰਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਸੰਦੀਪ ਓਕੇ ਐਵਰੀਵਨ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵਕਤ 7:10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜੰਗਲਾਂ ਰਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਰ ਫਿਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ।